वेलकम टू मरबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। मानव समाचार मानवता के हक में। अपने मालेगांव शहर के सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान बैटरी वाले, इन्होंने कारपोरेशन में तीन मुद्दों को लेकर एक निवेदन दिया था तकरीबन 2 महीने पहले। हमने उसका एक जवाब दिया था, उनमें से कुछ मालूमात कम थी तो उन्होंने और एक निवेदन दिया, तो फिर कारपोरेशन ने और एक जवाब उनको दे दिया। इसमें निवेदन में तीन विषय थे। एक सर्वे नंबर 98-2 जहां प्राइमरी स्कूल का आरक्षण था, तो वो जगह पे गलत खरीद बिक्री हुई कारपोरेशन के बिगर परमिशन से, और उनका कहना है कि वहां यानी ऑर्डर भी बन गया जो कि महसूल विभाग करता है। मैं बोलना चाहता हूं कि इस मामले में खरीदी बिक्री के लिए और यानी करने के लिए कारपोरेशन ने एनओसी नहीं दी थी, महसूल विभाग ने और जो खरीदी बिक्री का ऑफिस रहता है उन्होंने वो खरीदी बिक्री की है। हमने खरीदी बिक्री के बारे में अपने जो सब रजिस्ट्रार उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको कई बार लेटर दिया था कि मालेगांव में ऐसा ऐसा चल रहा है, तो उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपने यहाँ के सब रजिस्ट्रार को लेटर देके बोला था कि भाई ऐसी अनाधिकृत खरीदी बिक्री नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसी खरीदी बिक्री हुई। इनके निवेदन में कहा गया था कि पहले महीने इस जगह पे जो प्राइमरी स्कूल की रिजर्व जगह थी वहां अनाधिकृत बांधकाम हुए, तो उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो इसमें कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से वहां एमआरटीपी एक्ट के तहत कलम 52 और 53 के माध्यम से उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस के चलते उन्होंने काम बंद करना चाहिए था या निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हमने इसमें पुलिस में एफआईआर दाखिल की और वो केस अभी तक चालू है। अनाधिकृत बांधकाम के बारे में दो चीजें रहती है, एक तो एमआरटीपी के खिलाफ तहत 52-53 से नोटिस देके एफआईआर दाखिल करना, और दूसरा कि अनाधिकृत बांधकाम तोड़ना। लेकिन वो तोड़ने की कार्रवाई कारपोरेशन से वो टाइम नहीं हुई, तो ये जिम्मेदारी रहती है कि भाई प्रभाग अधिकारी जो रहते हैं उनके माध्यम से वो कार्रवाई होती है, अतिक्रमण विभाग से कार्रवाई होती है। आज के मीटिंग में ऐसा ठहरा है कि जो कार्रवाई हुई है वो ठीक है, लेकिन वो अनधिकृत बांधकाम तोड़ने की कार्रवाई नहीं हुई, नहीं वो तुरंत शुरू होनी चाहिए। तो इसमें कारपोरेशन की ओर से कहा गया कि प्रभाग अधिकारी को इसका मालूमात दी जाएगी कि इसकी जो अनधिकृत बांधकाम निकालने की जो कोई प्रोसीजर हो, जैसे महापालिका एक्ट के तहत उनको नोटिस देना, नोटिस का पीरियड खत्म होने के बाद अगर निकालते नहीं तो गिराने की भी नोटिस देना, पुलिस में बंदोबस्त होना है तो उसके पैसे भरना, उनका उनकी मंजूरी लेके पुलिस बंदोबस्त चाहे लगे तो वो लेना और गिराना, तो वो जो प्रोसीजर है वो अब कॉरपोरेशन शुरू करने जा रही है। दूसरा विषय था सर्वे नंबर 114-अब, ये भी खेती के लिए था और यहाँ एक पेट्रोल पंप को परमिशन दी गई है, उसके आजू बाजू में 700-800 घर हुए ऐसा उन्होंने निवेदन में दिया है। लेकिन ये जो जगह है पेट्रोल पंप वाली, वहां कॉरपोरेशन में माइनर मॉडिफिकेशन के माध्यम से उसका जोन बदला गया है, जैसे कि जोन बदलने की जो प्रोसीजर रहती है कि पेपर में जाहिरात देना, हरकती सूचना लेना और फिर गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजना, और ये
नदी के बाजू में ये जगह है, तो इरिगेशन की भी जो एनओसी लगती है उसके चलते फिर ये मॉडिफिकेशन होता है। तो गवर्नमेंट को ये प्रस्ताव गया था, उसमें इरिगेशन की एनओसी भी थी और कॉरपोरेशन का ठहराव भी था, और वो माध्यम से गवर्नमेंट ने ये खेती के बजाय ये रेवाद जोन या पेट्रोल पंप को जो जोन चाहिए वो गवर्नमेंट की ओर से मंजूर हुआ है। तो निवेदन करता है, उन्होंने बोला कि मुझे ये पूरे कागजात दे दो, तो हमने बोला है कि 2-3 दिन में पूरे कागजात आपको मिल जाएंगे। तीसरा विषय था 11,000 कॉलोनी में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से घरपुल की योजना थी, उसमें 2-3 मुद्दे थे कि जो एक एडवांस ठेकेदार को दिया गया था उसकी वसूली नहीं हुई, तो इसके माध्यम से आर्बिट्रेटर की नियुक्ति की गई थी कि भाई ये वसूली होने के लिए आर्बिट्रेटर, और आर्बिट्रेटर का खर्चा ठेकेदार ने करना, लेकिन वो कार्रवाई में कुछ आगे बढ़ोतरी नहीं हुई और प्रशासन ने फिर उसमें हाईकोर्ट में केस दाखिल कर ली वो वसूली के लिए। दूसरा एक निर्णय इसलिए भी होना था कि ठेकेदार ने जैसा काम की वर्क ऑर्डर होना और काम एक्चुअल में होना उसमें बहुत पीरियड गया, उसमें बीच के टाइम में मटेरियल के रेट बढ़ गए, तो डीएसआर के रेट का फर्क या जो रेट बढ़ा है उसका फर्क चाहिए, उसका भी उसने डिमांड की थी, लेकिन कॉरपोरेशन ने वो डिमांड मान्य नहीं की। वो भी निवेदनकर्ता को आज के दिन में बोला गया। दूसरा ये कहा गया कि जो एडवांस दिया गया था या जो सिक्योरिटी डिपॉजिट इसका था ठेकेदार का, तो बैंक गारंटी के स्वरूप में था, तो जैसा बैंक गारंटी की जो मुद्दत रहती है वो मुद्दत खत्म होने से पहले रिन्यूअल करना चाहिए था। कॉरपोरेशन ने बार बार ठेकेदार से कहा कि ये रिन्यूअल करो दो, तो उसने कुछ बहाने बना के कुछ लेटर वेटर चला के वो किया नहीं, और फिर बैंक की गारंटी का टाइम वहां खत्म हुआ, इसलिए कॉरपोरेशन की वसूली नहीं कर पाई, और इस माध्यम से जो भी वसूली का है वह अभी हाईकोर्ट में दावा चालू है। और एक मुद्दा उनका निवेदनकर्ता का था कि यहाँ जो मशीनरी इस काम के लिए आई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आई थी, और अभी जगह पे कोई भी मशीनरी नहीं है, ठेकेदार वो मशीनरी लेके गया है, लेकिन हमारे सिटी इंजीनियर इन्होंने आज के मीटिंग में कहा और उनको लेटर भी दिया ये माध्यम से 11,000 कॉलोनी से, उसमें कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मशीनरी नहीं आई थी और जो मशीनरी थी वो ठेकेदार की थी, इसलिए वो यहाँ रहने का सवाल नहीं, वो ठेकेदार वो लेके गया क्योंकि वो उसकी मशीनरी थी। ये मुद्दे पे आज चर्चा हुई है, और उसमें फिर जो जो भी कागजात उनको चाहिए इस फाइल में से वो देना तय हुआ है 2-3 दिन में देने का। और जो पहले विषय में 98(2) में कार्रवाई करनी है अनधिकृत बांध काम तोड़ने की, वो प्रभाग अधिकारी को ऑर्डर देके वो कार्रवाई चालू करने की, और कुछ जो रिकॉर्ड है उनको देने का वो उनको 2-3 दिन में दे देने का, ऐसे आज की मीटिंग में तय हुआ है। सर ये कौन सा? धन्यवाद सर। कौन से स्कूल का विषय है, इसका नाम आप बता सकते हैं? ये प्राइमरी स्कूल है 98(2) सर्वे नंबर। नहीं, स्कूल का बांधकाम नहीं हुआ, स्कूल का आरक्षण था, स्कूल का आरक्षण था, स्कूल था प्राइवेट जगह थी, स्कूल तो हुई नहीं, लेकिन वहां ऐसा अनधिकृत टुकड़ेबाजी हुई। कॉर्पोरेशन इसके ऊपर कब से कार्रवाई करेगी? तो वही कहा गया कि भाई अभी ये जो अधिकार है 52-53 का अधिकार टाउन प्लानिंग को है, उन्होंने FIR दाखिल कर दिया, उसका कोर्ट में चालू होगा, लेकिन जो गिराने का काम है वो प्रभाग अधिकारी का है, तो हम कल ही उनको लिखते हैं कि इसमें जो कार्रवाई होनी है, जैसा उसको कॉर्पोरेशन का नोटिस वो अलग रहता है, MRTP अलग, FIR दाखिल करना, महापालिका का एक्ट उसको गिराना, तो उसकी भी नोटिस रहती है, तो नोटिस दे के फिर नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद जो भी कार्रवाई है पुलिस की मदद से वो करने को प्रभाग अधिकारी को कहा जाएगा। सर अभी हमारी तकरीबन 1.5 घंटा माननीय कमिश्नर जी, टाउन प्लानर साहब, सिटी इंजीनियर साहब, मालवाड़ साहब,
दीगर आला ऑफिसरान महानगर पालिका के साथ में हमारी मीटिंग थी। आप मीडिया जानती है कि घरपुल को लेकर के हम तकरीबन 8-10 साल से उसके खिलाफ लड़ रहे हैं कि भारत सरकार की जो घरकुल की योजना है, महांडा की जो स्कीम है, वो मालेगांव शहर में 2009 में लागू हुई, काम शुरू हुआ और मालेगांव शहर में 21,684 कॉलोनियाँ बननी थी। उसकी मैंने हर मौके पे आपको डिटेल्स दिए कि क्या कैसे होना चाहिए था, लेकिन घरकुल के अंदर मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि 200 करोड़ से ज़्यादा का करप्शन हुआ है मालेगांव शहर में, भ्रष्टाचार, 200 करोड़ का भ्रष्टाचार। बाजू में जलगांव शहर है, उस जलगांव के अंदर में सुरेश दादा जैन साहब जो कई टाइम के मिनिस्टर रह चुके हैं, इसी घर कुल के अंदर 1,48,00,000 रुपये में उनकी जिंदगी जेल में सड़ गई। यहाँ पे 200 करोड़ का करप्शन है। हमने भारत सरकार को मालेगांव आवामी पार्टी के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी को हमने लेटर दिया, सारी मालूमात दी कि सर यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, माननीय मोदी साहब के दर्शन हुआ कि इसकी फौरी तत्काल चौकसी की जाए और जितने ऑफिसर और जो ठेकेदार इसमें मुलव्वज़ है उन सबको कानून के दायरे में लिया जाए और कंप्लेनर को सारी बात बताई जाए। लेकिन उसके बाद भी यहाँ की महानगर पालिका, भ्रष्ट महानगर पालिका के ऑफिसरान के कान पे जुआ नहीं रहेंगी। भारत सरकार की तरफ से लेटर आने के बाद भी इनके कान पे जुआ नहीं रहेंगी। हम दोबारा जाके भारत सरकार को लेटर दिया, खत किया, वहाँ से उन्हें आदेश हुआ माननीय किरीट सुमैया जी को कि ये मालेगांव आवामी पार्टी के अध्यक्ष की जो तकरार है इसकी कार्रवाई की जाए। आप देख सकते उन्होंने हमको बुलाया और कॉलिंग लेटर जगह पे लगा करके दिया कि कॉरपोरेशन को दिया जाए, कलेक्टर को दिया जाए, जो इसमें दोषी है इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ आप मीडिया के लोग जानते हैं कि महानगर पालिका के ऑफिसरान लैंड माफिया लोगों के साथ मिल करके, मैं हमेशा चिल्ला रहा हूँ, स्कूल की रिजर्व जमीन, हॉस्पिटल की रिजर्व जमीन, बच्चों के खेल कूद के गार्डन की जमीन, दीगर सारी जमीनें गैर कानूनी तरीके से 12-25 के टुकड़े बना करके बेच रहे। 98-2 फार्मेसी कॉलेज की जो साड़ा के लिए रिजर्व है जमीन, उसको 12-25 के टुकड़े बना के कॉरपोरेशन के ऑफिसरों की साठ गाठ से उसे बेचा गया। 98-2 114A 114 बो जो सेती की जमीन है, गरीब आवाम को, भोली भाली आवाम को, वो आवाम जो मराठी से वाकिफ नहीं है, ऐसे गरीब मुसलमान जिनको मराठी नहीं समझती है, उन लोगों को वहाँ पे फंसाया गया और टुकड़े करके ज़मीनें बेची गई। फ्लैट जोन के अंदर सेती की ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से बेचे। हम महानगर पालिका को बार बार निवेदन दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि यह गैर कानूनी काम हो रहा है, इसे रोका जाए, लेकिन महानगर पालिका भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके न जाने कौन से जोम में है जो तमाम चोरों के साथ मिल करके उनको साथ दे रही है। आज ऊपर से आदेश हो गया है कि इन तमाम चीज़ों की इंक्वायरी बिठाई जाए, SIT का गठन हो रहा है। आने वाले दिनों में भारत सरकार के आदेश पे हमने जो लेटर चलाया है, यहाँ पे वरिष्ठ ऑफिसरान, वरिष्ठ लीडरान आने वाले हैं और जो घरकुल की 15-20 दिनों के अंदर ED के द्वारा इनकी चौकसी शुरू होने वाली है।
जो गरीब आवाम को फंसाया गया 114 में और अरबों में, आपने देखा कि कलेक्टर ने आदेश दिया है कि उसे उस जगह को आप सेती को बिन सेती करने के लिए, गैर सेती का ये उपयोग करने के लिए बाजार भाव 50% आपको नजराना भरना पड़ेगा, तब जाके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब 50% बोले तो आज के टाइम में 70 करोड़ के ऊपर उस गरीब बस्ती वालों के ऊपर बोझ। और जिसने ज़मीन बेची वो रजिस्ट्रार ऑफिसरान से मिल के, महानगर पालिका के ऑफिसरान से मिल कर के बैल गोटिया साटी बोल के खरीदी दी गई है। बैल गोटिया साटी आवाम की फसौनी की गई है। हमारी सरकार से अपील है कि इसकी कड़ी चौकसी होना चाहिए, और जो भोली भाली आवाम को फंसाया गया है ऑफिसरान की चौकसी होना चाहिए। इसमें आप देख सकते कि कमिश्नर साहब आर्बिट्रेटर्स है घरकुल के अंदर, उन्होंने गोसावी जी ने यहाँ पे एक आर्बिट्रेटर्स को नियुक्ति किया, रिटायर जज को 70 लाख रुपया खर्चा दिया, 70 लाख रुपया आर्बिट्रेटर्स को। ये होते हुए मालेगांव महानगर पालिका के माननीय श्री बच्चाव साहब, मारवाड़ साहब, इन लोगों ने सरकार की आंख में धूप झोंकने के लिए कोर्ट के अंदर इन्होंने पेटिशन दाखिल कर दी। जब आर्बिट्रेटर्स का काम चालू है तो आप कोर्ट में कैसे गए? और ये 3 फेस का काम है घरकुल का, 3 फेस का काम है। कोर्ट को ये बताया गया कि ये तीनों एक ही फेज है, तो कोर्ट में तो ये रद्द हो जाएगा। इसका मतलब ये लोग ठेकेदार के साथ और भ्रष्ट जो ऑफिसर बार बार एंटी करप्शन आके इनके गिरेबान में पकड़ के ले जा रही है, ये ऐसे चोर ऑफिसर, इनको बचाने के लिए और गरीब आवाम मालेगांव शहर की भोली भाली आवाम, माइनॉरिटी की आवाम, मुस्लिम आवाम को ना अतिक्रमण से राहत मिल रही है, ना गंदगी से, ना हॉस्पिटलों में कोई सुविधा है, ना मालेगांव शहर में एक गार्डन है। सारी चीज़ें ये लोग 12-25 के टुकड़े बना के लैंड माफियाओं के साथ बेच रहे हैं। हमारी सरकार से अपील है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और मैं शहर की आवाम से कहना चाहूँगा कि आप इल्लीगल चीज़ों को मत खरीदिए। 98-2-114 ओ अरबो कि आवाम को ये चोर ऑफिसर अगर जो उन्हें तकलीफ देते हैं, तो ये आवाम आके हमसे रास्ता कायम करें। इनके लिए क्या, इंशाल्लाह मालेगांव आवामी पार्टी पूरी पूरी कोशिश करेगी।